हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल रेडीमेड प्योर कॉटन के सूट से ऐसा जैकेट वाला डिज़ाइनर सूट बनाएंगे। ये मेरी कुर्ती का फैब्रिक है जिससे मैंने स्लीवलेस कुर्ता बनाया है, और ये सलवार का फैब्रिक था जिससे मैंने नैरो पैंट बनाया है। इस वीडियो में मैंने पैंट की कटिंग आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें मैंने 20 से 22 थाई के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। अगर आपकी थाई 24 से 26 है और इसकी कटिंग आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 24 से 26 थाई के अकॉर्डिंग हम आपको पैंट की कटिंग स्टिचिंग दोनों सिखाएंगे। इससे आगे थाई की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। और ये मेरा कॉटन का दुपट्टा है जिससे हम ऐसा जैकेट बनाएंगे, जिससे आप सिंपल कॉटन के सूट से ऐसा डिज़ाइनर सूट बना सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा दुपट्टा इसका खोल के दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टे के साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, फिर इस तरह का प्रिंट है जो कुर्ते का है, बीच में पैंट का प्रिंट है और सेम पैटर्न इसके दूसरी साइड भी है। ऐसा मेरा पूरा दुपट्टा है। तो इसमें जो बॉर्डर वाला हिस्सा है उसे हम फ्रंट पर लेके आएंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टे को बॉर्डर वाली साइड से फोल्ड किया है। इसमें हम एक एक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड करके रखा है। जैकेट की लेंथ कुर्ते की लेंथ से 1 इंच लंबी रखेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल कुर्ती की लेंथ है 42 इंच, तो जैकेट हम 43 इंच की लेंथ में बनाएंगे। यहाँ से मेजरिंग टेप को रखा और इसमें 44.5 पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। अब इस तरफ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो बॉर्डर से इधर का हिस्सा दिया हुआ है लगभग 1/2 इंच का, इसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये मार्जिन हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो हम मार्किंग बॉर्डर की इस लाइन से करेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 14 इंच, जिसका 1/2 हुआ 7 इंच, 0.2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो शोल्डर के लिए 7.25 लेंगे। आर्म होल की लेंथ शोल्डर का 1/2 लेंगे, तो शोल्डर का 1/2 है 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच लेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको साइड से 1/2 इंच सीम अलाउंस का निकाल देना है। तो मैं इसमें ये बॉर्डर वाली लाइन से ही निशान लगा रही हूँ। फुल चेस्ट का साइज है मेरे मेजरमेंट में 36 इंच, जिसका 1/4 हुआ 9 इंच, 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे इसमें क्योंकि ये हमारा कॉटन फैब्रिक है और जैकेट कुर्ती के अकॉर्डिंग लूज रखेंगे, इसलिए 1/2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ से 9.5 पे लगाएंगे। इस निशान से वेस्ट की लेंथ 14 इंच लेंगे। वेस्ट का साइज है मेरे मेजरमेंट में 30 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8 इंच, 1/2 इंच लूजिंग इसमें भी ऐड करेंगे, तो यहाँ से 8.5 पे लगाएंगे। और हिप लेंथ 21 इंच पे लेंगे। यहाँ से लोअर वेस्ट भी मेरे मेजरमेंट में 36 इंच है, जिसका 1/4 हुआ 9 इंच, इसमें भी 1/2 इंच लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ से 9.5 पे लगाएंगे इस लाइन से। अब हम कर्व स्केल से इस निशान को यहाँ से मिलाएंगे और इस निशान को वहाँ से। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1/4 इंच लूजिंग और सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। इसमें हम कॉलर लगाएंगे, तो नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और डेप्थ भी यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। अब इसमें राउंड शेप दें। शोल्डर डाउन 1 इंच करेंगे इस निशान को। अब यहाँ से सेम निशान पे कटिंग कर दें। अब नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल दामन का साइज है 22 इंच, इसका 1/2 हुआ 11 इंच, तो यहाँ से 11 पे लगाएंगे।
इस निशान को फिटिंग के निशान से मिलाएं। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1.25 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। इस निशान को सीम अलाउंस के निशान से मिलाएं। अब इस निशान पे कटिंग करें। ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बाकी का दुपट्टा बचा है, इसमें जो सेंटर का पार्ट दिया हुआ है, इससे हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो इस वाले दुपट्टे को आप इस तरह से घुमा लें और अच्छे से बिछा के रखें। बराबर से दुपट्टे को बिछा दिया है। अब आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग लेनी है। इसमें देखिए, जो बॉर्डर के इधर का साइड दिया हुआ है, ये हमने सीम अलाउंस का ऐड किया है, तो इसे आप इस तरह से पलट देंगे। अब इसे सेंटर से मिलाते हुए ऐसे रखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है, इससे हमें इसका सेंटर मिल गया। फ्रंट का शोल्डर हमने 1 इंच डाउन कर दिया था, तो बैक का शोल्डर 1 इंच उठा के कट करेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक की वेट ली थी हमने 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे लगाएंगे निशान। डेप्थ के लिए 1.5 इंच लेंगे। इसमें राउंड शेप दें। इसकी कटिंग ऊपर तक मिला दें। अब यहां से फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बराबर कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट को ले, अब इसमें फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो इस निशान से पीछे के लिए 1 इंच पे लगाएं निशान। अब इसे यहां से मिला दें, यहां पे गुलाई दें। अब इस निशान पे कटिंग करें। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने वेस्ट की लेंथ का और लोअर वेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरह हमारी जैकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 इंच है, तो आप इसी मेथड पर कटिंग करेंगे। सिर्फ आपको अपनी चेस्ट, वेस्ट और लोअर वेस्ट का नाप लेते हुए कटिंग करनी है। बाकी मैंने जितना शोल्डर लिया, आर्म होल लिया, वो सब आपको सेम मेजरमेंट लेना है। अगर आपका चेस्ट 40 इंच का है, तो वहां से सारे मेजरमेंट चेंज हो जाते हैं। आपको अगर कटिंग करनी आती है, तो उसके लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कटिंग नहीं आती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सारे मेजरमेंट बता देंगे। लेकिन अगर आपका 38 इंच तक है, तो आप सारे मेजरमेंट यही रखिए। सिर्फ आपको अपनी चेस्ट, वेस्ट और लोअर वेस्ट का नाप लेते हुए सेम लूजिंग ऐड करनी है और इसी मेथड पर कटिंग करनी है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखें। शोल्डर अटैच कर दें। शोल्डर अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा दें। जहां तक हमने लोअर वेस्ट का निशान लगाया था, ये कट लगा हुआ है यहां तक। साइड से मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा दें। फिर सेंटर से कपड़े को फोल्ड कर दें। पहले यहां तक फोल्ड करेंगे, फिर इसे यहां से ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से। साइड से चाक और दामन फोल्ड करेंगे। यहां से देखिए, मैंने दामन और चाक फोल्ड कर लिया है और सेंटर से भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब कॉलर को ऐसे सेंटर से पकड़ें और इसे सेंटर से नाप लेंगे, मिलाते हुए बराबर से। कॉलर की लेंथ आ रही है 9 इंच। सेंटर पे एक कट लगा दें। अब यहाँ पे 1 इंच चौड़ी हार्ड कैनवास लेंगे। कॉलर की लेंथ हमने नापी 1/2 9, जिसका डबल हुआ 18 इंच। इसमें हम 1/2 इंच कम कर देंगे, क्योंकि कॉलर खींच के अटैच करने में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो कॉलर की लेंथ हम 17.5 इंच रखेंगे। इसकी लेंथ देखिए 17.5 इंच है। अब जो बॉर्डर वाला हिस्सा था, उसको लेंगे। जिधर से कैनवास शाइन कर रही है, उधर से इसके ऊपर चिपका दें।
चिपकाने से पहले फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे हल्का सा तिरछा कट कर दें। अब इसके ऊपर चिपका दें। अभी लाइट नहीं थी इसलिए मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, बाद में इसको हम चिपकाने के बाद सिलाई खोल देंगे। नीचे से हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा है, इसको यहाँ से ऐसे पलट दें। जिस तरफ से हमने कटिंग करी है तिरछी, उस हिस्से को इधर के लिए रखेंगे। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा दें। इस तरह से ये पट्टी बनानी है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लें, लगभग ऊपर के लिए हाफ इंच का मार्जिन रखें और कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएं। नीचे से हाफ इंच का मार्जिन पूरी पट्टी पर सीम अलाउंस का रखना है। अब इसे सेंटर से इस तरह बराबर कर दें। दोनों साइड से भी हाफ इंच का मार्जिन सीम अलाउंस का निकाल देंगे। अब कॉलर की पट्टी अंदर की तरफ से ऐसे रखें, हाफ इंच का मार्जिन बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से, और इसको बराबर मिलाते हुए इस तरह से अटैच कर दें। इधर से भी हाफ इंच का मार्जिन बाहर की तरफ निकलना चाहिए, इस तरह से मिलाते हुए अटैच करें। अभी हमने कॉलर की पट्टी अंदर की तरफ से अटैच करी है। सीम अलाउंस का मार्जिन ऊपर की तरफ रखें और यहाँ से कपड़े को ऐसे बराबर कर दें। ये कॉलर की पट्टी इस तरह अंदर के लिए फोल्ड करें। ये सेंटर से अपने आप बराबर से फोल्ड हो जाएगी। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें और कैनवास के किनारे से सिलाई लगा दें, इस वाली पट्टी के लेवल से ऐसे किनारे से। अब इस कॉलर की पट्टी बाहर के लिए पलट लें। सीम अलाउंस का सारा मार्जिन अंदर के लिए कर दें और ये पट्टी अपने आप इस वाली सिलाई के ऊपर फोल्ड होके आ जाएगी। इसको ऐसे सेट करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा के अटैच कर दें। ये कॉलर की पट्टी देखिए इस तरह से तैयार हो गई है। दुपट्टे के साइड से जो फैब्रिक बचा था उसमें से दो लेयर ली हैं। सेंटर से फोल्ड करेंगे। मेरे मेजरमेंट में स्लीव की फुल लेंथ है 13 इंच, जिसमें 2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो यहाँ से 15 इंच है कपड़े की लेंथ। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ ली थी हमने 7 इंच, तो आर्म होल की विड्थ यहाँ पे 7 इंच लेंगे। नीचे से फैब्रिक हम 1.5 इंच फोल्ड कर देंगे। यहाँ से गर्थ है मेरे मेजरमेंट में 5 इंच, थोड़ी सी लूजिंग दे रहे हैं इसलिए 5.5 पे लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1.25 इंच लूजिंग और सीम अलाउंस ऐड करें। इसे भी सीधा कर दें। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। ये फ्रंट आर्म होल का है और ये बैक आर्म होल का। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग करें। यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे कट लगाएं। अब सेंटर से खोलें, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करें। अब इसमें से एक लेयर लें, जहाँ से हमने कट लगाया फोल्ड करने के लिए उस कपड़े को ऊपर के लिए फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम ये बॉर्डर अटैच कर देंगे इस तरह से। सेंटर से फोल्ड करके साइड फिटिंग से सिलाई लगा दें। अब इसे सीधा कर लें। जिस तरफ देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है, उसे हम फ्रंट पार्ट के साथ मिलाते हुए अटैच करेंगे। अब जैसे आप अपनी नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं, सेम इसको वैसे ही यहाँ से मिलाते हुए अटैच कर देंगे। इस तरह से राउंड में मिला के अटैच कर दें। और अब यह जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।